खंडेराव करते हैं सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। खंडेराव की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो बातों को घुमाते फिराते नहीं है, उनको सीधी बात करना भी पसंद है और सुनना भी पसंद है। इसीलिए जब बात हो रही थी, जो कक्ष में वो लोग बातचीत कर रहे थे कि कैसे करना है, हमला हो गया है, वहां पे जो गुनू जी ने अपनी बात रखी, वहां पे खंडेराव ने उनको सीधा सीधा सवाल कर डाला और कह डाली उनके दिल की बात। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुनू जी अपनी जो बात कहने का मौका है वो छोड़ते नहीं है, जबकि यहाँ पे उनको बहुत ही हल्का सा मौका मिला था और बात करनी बनती भी नहीं थी, इसलिए उनको ये बातें सुननी पड़ी। जब बात चल रही है कि हमला हो गया है और हमला हुआ है और मालवा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा शुरू हुई, मगर उसके बीच में ही गुन्नू जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने गोलमोल बात कही, मल्हार सरकार भी सरप्राइज हुई कि ये गुन्नू जी बोल क्या रहे हैं, क्योंकि गुन्नू जी के दिमाग में तो क्लियर था कि मुझे कैसे भी करके अहिल्या का कामकाज रुकवाना है, अहिल्या को हार देनी है, वो उनके माइंड में क्लियर था। इसलिए उनको लगा कि यहाँ पे भी तुक्का छोड़ दो, यहाँ पे भी इनको फिक्र डालो कि अगर बाहर से हमला हो रहा है तो अंदर के सारे काम बंद कर देने चाहिए। इसलिए मल्हार सरकार को हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि कैसे बंद कर दे, क्या बंद कर दे, किसानों का खेतों में जाना बंद कर दे, व्यापारियों का व्यापार बंद कर दे, क्या बंद कर दे। तो यहाँ पे खंडेराव ने सीधा तीर मारा गुन्नू जी को कि इनका मतलब है, आपका ये मतलब है कि अहिल्या का काम बंद कर दे, व्यापार का काम बंद कर दे। तो गुन्नू जी शर्मिंदा से हुए पड़े, सिर्फ सर हिलाते रह गए। तो ये जो चीज है, गुन्नू जी को सीरियसली इस पे सोचना पड़ेगा अगर वो बड़ी रचना करने की सोच रहे हैं, तो ये छोटे मौके जो आते हैं इनमें इस तरह से फायदा या तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सामने कौन खड़ा है ये देखें कि खंडेराव खड़ा है और खंडेराव को आपकी एक एक बात का पता है, आपकी रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए पहले भी उन्होंने जब धनाजी सरदार की बात हुई थी भागने की, तब भी उन्होंने गुन्नू जी पे सीधा वार किया था कि आपने ही भगाया होगा, अगर मेरे पास मौका होता तो मैं आपके मुंह से उगलवाता कि आपने अपने बाबा साहिब की हेल्प की है। तो ये मुझे खंडेराव की खूबी बहुत अच्छी लगती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।